हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज मैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता का रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पाव भर उड़द का दाल भिगोया हुआ ले लिया है। अदरक और हरी मिर्च ले लिया है मैंने, आप देख सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च ले लेंगे। मिक्सी जार में डाल देंगे, 2 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे। खुशबू के लिए इसमें डाल देंगे हींग, हींग से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसे दरदरा इसी तरीके से पीस कर तैयार कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और अब इसी में उड़द का दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से पीस कर तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से दरदरा पीस कर तैयार करेंगे, बाकी का दाल भी इसी तरीके से पीस कर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 किलो गेहूँ का आटा ले लिया है। जो मैंने दाल और मसाला पीस कर तैयार किया हुआ है उसको इसी में डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से कचौड़ी अंदर से एकदम खस्ता बनकर तैयार होती है। और अब इसी में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच मंगरेल और जवाइन। नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और 1 चम्मच भर कर डाल देंगे इसी में गरम मसाला। और अब इसी में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर कर रिफाइंड तेल। अगर मैं छोटे चम्मच से डालते हैं तो लगभग 4 चम्मच डालेंगे। और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। डालने के बाद खूब अच्छी तरह से पहले हम मिला लेंगे। देखिए इसी तरीके से आटे को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छी तरह से गूंथ कर तैयार कर लेंगे। आटे को हमें ज़्यादा मुलायम नहीं गूंथ कर तैयार करना है, थोड़ा टाइट ही गूंथ कर तैयार करेंगे। देखिए इसी तरीके से अच्छी तरह से आटे को गूंथ कर तैयार कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हाथों में अपने तेल लगाकर आटे को एकदम चिकना बना देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंथ कर तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स अब हम इसकी मोटी मोटी लोइयां बनाकर थोड़ी सी मोटी ही पूड़ी बनाकर तैयार करेंगे। पतली पूड़ी हमें नहीं बनानी है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया था, तेल हमारा गर्म भी हो गया है। पूड़ियों को डालकर हाई फ्लेम पे उलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स मैं ये पूड़ियाँ थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ, आप चाहे तो छोटी भी बना सकते हैं। ये बनारसी कचौड़ी है, बनारस में ये बड़ी बड़ी ही बनती है। शादी ब्याह किसी भी फंक्शन में आप जाएंगे आपको ये कचौड़ी खाने को जरूर मिलेगी। इस कचौड़ी को आप फ्रेंड्स किसी भी सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये कचौड़ी। वैसे तो ये कचौड़ी शादी ब्याह में आलू बैंगन पालक की सब्जी के साथ ही मिलती है, और साथ में मिलती है जलेबी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये कचौड़ी। फ्रेंड्स आप एक बार ये रेसिपी जरूर से ट्राई करिएगा। और इसी तरीके से सारी पूड़ियों को डालकर उलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।